नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत वासियों को 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं के तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने आज यह सौगात अपने रोड शो के उपरांत सोनीपत के बाबा धाम में आयोजित एक जन समूह कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दी। देख रहे हैं पल पल सोनीपत से अनिश कौशिक की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने आज सोनीपत वासियों को जो सौगातें दी है उनमें ओल्ड हुडा ऑफिस की भूमि पर नगर निगम द्वारा 13 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोर पार्किंग, ड्रेन नंबर 6 में बंदेपुर के राडधाना तक के निर्माण कार्य के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ साथ ड्रेन नंबर 8 में पंप के माध्यम से सिसाना माइनर में पानी छोड़ा जाएगा और यह पानी सिंचाई के काम में उपयोग होगा। इसके अलावा मूर्थल चौक से अग्रसेन चौक तक सड़क व ग्रिल निर्माण में 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा। वहीं मसद मोहल्ला में 12 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग, गोहाना बाईपास पर 16 एकड़ भूमि पर 10 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की। अपने ही देश में चाहे वो हरियाणा को काम आए अथवा पंजाब को काम आए, आखिर अपने प्रदेशों में काम आए, फालतू पानी बह करके नहीं जाना चाहिए। रोड शो, इससे पहले मैं 8 स्थानों पर रोड शो कर चुका हूँ और हरियाणा में शहरों के अंदर रोड शो, गाँव में सीधा संवाद, इस माध्यम अभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने देखा है कि आज 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है और एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है। जो उद्घाटन किया है उसमें आपने देखा है कि यहाँ एक सरल केंद्र नाम से इस भवन का जो उद्घाटन हुआ है, जिसको हम अभी ई दिशा केंद्र कहते थे, तो इस सरल केंद्र में नागरिकों को लगभग 35 प्रकार की सेवाएं तो तुरंत उपलब्ध होने जा रही हैं और आगे इंटीग्रेट करके लगभग 250 सेवाएं नागरिकों को, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं वो यहाँ से मिलेंगी, ताकि उनको अलग अलग जितने भी कार्यालय हैं उनके चक्कर न काटने पड़े। एक छत के नीचे जितनी सरकारी सेवाएं हैं उनका उनको उपलब्धि हो जाए और उनका समय भी बचता है, साधन भी बचता है और इसका बहुत एक आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो हमारे केंद्र हैं, सरल केंद्र, ये अभी जिला स्तर पर बनाए जा रहे हैं, आगे चल करके सब डिवीज़न और ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे और बाद में हमारे अगले चरण में, तीसरे चरण के अंदर गाँव के अंदर भी